निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे कुशीनगर। निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। विपक्षी दलों पर बोला हमला। हर समाज की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम लोग सेवा के एकत्र हैं जो लोग राजनीति के लिए एकत्र हुए हैं। इंडिया की बात क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति है। अमेरिका इंग्लैंड के इशारे पर भारत में इंडिया शब्द नहीं चलेगा। यहाँ जय निषाद जय श्री राम चलेगा। जनता में उन्हें निकाल दिया, उनको 70 साल दिया लेकिन कुछ नहीं किया। ये जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है। हम निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की धारा मिला रहे हैं। राहुल गांधी के संभावित पीएम उम्मीदवार के सवाल पर डॉक्टर संजय वी निषाद ने कहा कि विपक्ष केवल हाथ मिला सकते हैं, दिल नहीं मिला सकते। श्रृंगवीरपुर में मस्जिद के सवाल पर उन्होंने कहा कि निषाद राज्य के किलों को पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया था। अवैध तरीके से हमारे किले में मस्जिद बनाई गई। मस्जिद को हमारे किले से हटाना ही पड़ेगा। मुस्लिम धर्म में भी विवादित जमीन पर मस्जिद बन सकता है। मुस्लिम समाज को मस्जिद हटा करके निषाद राज किला बनाने में मदद करना चाहिए। देखिए, हम लोग सरकार समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम राजनीति करना है। उनके प्रधानमंत्री कभी स्वर्गीय राहुल गांधी होते थे, वो कहते थे हम 100 रुपया भेजते 85 खा जाते हैं और 15 पहुंचता है। आज मोदी से दिल्ली से रुपया भेजते किसान के खाते में सीधे आता है। तो दोनों में अंतर, हम लोग सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग राजनीति में इकट्ठे हुए हैं। इंडिया की बात क्या है, भारत भारतीय संस्कृति का है। आज ये देश का नाम भारत है, जब अंग्रेज से मिल गया था। आज अंग्रेज के इशारे पर अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर भारत में इंडिया सब नहीं चलेगा। यहाँ भारत भारतीय संस्कृतियों का है। भगवान राम कृष्ण का देश है, निषाद राज का देश है, यहाँ बुद्ध का है, अशोका का देश है। यहाँ ये नहीं चलेगा, ये इंडिया चलेगा। यहाँ चलेगा तो जो है जय निषाद राज जय श्री राम चलेगा। और देखिएगा कैसे होता है और जिस तरीके से जनता ने, जिन लोगों को जनता ने अस्वीकार कर दिया हो, उनको हटा दिया है कि हम तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको 70 साल बहुत लंबा दिया, 30 साल उत्तर प्रदेश में इन लोगों को दिया, लेकिन इन लोगों ने पिछड़े के नाम पर कुछ नहीं किया। इसलिए यह जनता की सरकार जनता के द्वारा, हम लोग पिछले पावदान के रहने वाले व्यक्तियों को विकास की धारा में लाने के लिए।